हाय गाइस, आज एक फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक फिर नई वीडियो पर लेकर आए हैं और आज की वीडियो रहेगी दो अपन ऐसी एक्सरसाइज करने वाले हैं, दो पार्ट आप आज अपन ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपन देखिए मंडे तक अपन दो ही पार्ट को ट्रेन करते रहेंगे, क्योंकि यार मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा गैप भी था कम से कम एक डेढ़ महीने का। अगर आपने वीडियो देखी होगी, इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें ये हुआ है कि थोड़ा यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग करने के चक्कर में तो अपन वर्कआउट अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, इसलिए बॉडी अपनी थोड़ा सा लूज टाइप में है, ठीक है ना। क्योंकि डाइट ना तो वर्कआउट ले कर पा रहे थे ना ले पा रहे थे डाइट, इसलिए बॉडी थोड़ा सा डाउन अपनी हो गई है। कोई बात नहीं, अपन 3 से 4 दिन के अंदर अच्छी खासी अपनी बॉडी को उसी तरह वापसी कर लेंगे, ठीक। तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आप तो आज अपन दो पार्ट ट्रेन करने वाले हैं, बट शोल्डर एंड लेग दो अपन एक्सरसाइजें करने वाले हैं। तो गला भी बहुत बैठ गया है, क्योंकि यार सर्दी जुकाम पानी उधर का खास कर सूट नहीं कर पा रहा था, इसलिए गला में कल तो बहुत सर्दी थी, आज सर्दी ठीक है, गला लेकिन थोड़ा सा अभी सही नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएगा, अपने वो भी रंग में आ जाएगा। अपन वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन दो ऐसी एक्सरसाइज हैं मैं बताऊंगा आपको, शोल्डर की एंड लेग की। आज अपन 5 से 6 एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, तीन एक्सरसाइज हैं, शोल्डर करेंगे और 3 एक्सरसाइज करेंगे लेग की, 4 लेग की करेंगे, ठीक। 4 एक्सरसाइज में बताऊँगा आपको लेग की, और 3 से 4 इसको भी शायद 4 बताऊँगा। आप बस वीडियो पर बने रहिएगा, जो भी कुछ मैं मानने वाला हूँ तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी अगर दो पार्ट ट्रेन करना चल रहे हैं, आप भी दो पार्ट ट्रेन कर रहे हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि आपको एक्सरसाइजों में ध्यान रखना है कि अच्छी से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो बस आप मेरे से जुड़े रहिएगा वीडियो पर, वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। बस मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और थोड़ा सा देखिए मैं भी बॉडी बना रहा हूँ और आपको भी मोटिवेट कर रहा हूँ बॉडी बनाने को, ठीक। तो अपन एक्सरसाइज हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं, आप बस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप भी वर्कआउट घर पे ही करना चाहते हैं तो आप भी स्टार्ट करें वर्कआउट मेरे साथ साथ। तो अपन चलते हैं सीधे एक्सरसाइजों में। चलो गाइस, सबसे पहले अपन वार्म अप स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले अपन वो शोल्डर और लेग को वार्म अप, दोनों पार्ट को तरह से वार्म अप अपन करेंगे, ठीक। तो ये अपने पास दो ईंटें, तो पहले सबसे पहले शोल्डर को अपन वार्म अप करते हैं। इस तरह आपको वार्म अप करना है, इस तरह दो ईंटें की मदद से इस तरह आपको वार्म अप करना है। कम से कम आपको 10 से 12 ऐसे रेपिटेशन निकालना है, ये मेरे हो गए 10 से 12, और 10 से 12 आपको इस तरह निकालने हैं, इस तरह हाथों को ले लेना है इस तरह। छः, 7, 8, फिर इसके बाद इस तरह आपको वार्म अप करना है, ठीक। ज़्यादा नहीं, आपको 10 रेपिटेशन निकालने हैं, ठीक। इस तरह आपको भी वार्म अप करना है, कोई सी भी एक्सरसाइज करें। मैं सभी एक्सरसाइजों को मैं जो भी देख रहे हैं मेरी कितनी तबीयत एक तरह से ख़राब है, लेकिन मैं एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, मेरी बॉडी जब लूज होने लगती है मेरे को बड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं एक्सरसाइज को अभी नहीं टालता हूँ। तो अब अपन लेग की एक्सरसाइज करेंगे। लेग की एक्सरसाइज करने के लिए अपन ऐसे दो ईंटें लेंगे, इससे अपन उठक बैठक मारेंगे। ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप भी इस तरह वार्म अप करिएगा।
अब सीधे अपन अपन अब मैं थोड़ा सा और वार्म अप करूँगा, फिर आपसे मैं सीधे एक्सरसाइज पे मिलता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज अपन अब स्टार्ट करते हैं। अपन ने वार्म अप कर लिया है अच्छी तरीके से, अपन रेडी हैं वार्म एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी लेग को ट्रेन करने वाला सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज लेग की रहेगी, और ये हो गई अपनी बारबेल। 15-15 केजी की प्लेट डली हैं, ठीक। अब अपन इसी से स्क्वाट मारेंगे एक तरह से, ठीक है ना। इस तरह आपको लेना है, इस तरह ऊपर को इस तरह कंधों पे ले लेना है इस तरह, ठीक। और अपन को यहीं से स्क्वाट मारना चालू कर देना है इस तरह आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक। तो मैं इसके मारने वाला हूँ 10 से 12 रेपिटेशन, और सेट इसके लेकर चलूँगा मैं 4 सेट, ठीक। 4 सेट में मेरे को 10-10 करके 12-12 करके रेपिटेशन निकालने हैं, ठीक। जैसे मैंने इसके अभी फर्स्ट सेट में मैंने 12 रेपिटेशन निकाले हैं, वैसे 3 सेट और बचते हैं, जो उसमें भी मैं 10-12 ऐसे ही रेपिटेशन निकालूँगा, ठीक। तो मैं इसको सेट इसका कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी एक्सरसाइज पे। अब शोल्डर की आएगी अपनी एक्सरसाइज के बाद, ठीक। तो मैं इसको निपटा लूँ, फिर आपसे मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज में। अब अपनी रहेगी दूसरी एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज में मैं शोल्डर को ट्रेन करने वाला हूँ, ठीक है। शोल्डर मसल को ट्रेन करने वाला हूँ। तो अब अपन वही सेम बारबेल जो अभी लिए थे, वही बारबेल से अपन अब शोल्डर की भी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। तो इस तरह आपको बारबेल ले लेनी है जी, इस तरह उठाकर इस तरह एकदम सीधा एकदम क्लोज इस तरह आपको मारना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हो ठीक। तो मैंने इसके रेपिटेशन देखिए, मैं इसके 3 सेट मारने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं सेट मारने वाला हूँ, 3 सेट मारूँगा और रेपिटेशन वही निकालूंगा 10 से 12, ठीक। क्योंकि यार ये हैवी है, तो कुछ ज़्यादा ही लोड आता है, 15-15 केजी, तो कुछ ज़्यादा ही लोड आता है। कोई बात नहीं, अपन को रेपिटेशन निकालने ही निकालने हैं, ठीक। और सेट मैं इसके लेकर चलूँगा 3, तो मैं इसको फिनिश कर लूँ, फिर इससे आप फिर इसके बाद मैं आपसे तीसरी एक्सरसाइज पे मिलता हूँ सीधे, ठीक। अब अपनी रहेगी तीसरी एक्सरसाइज, और तीसरी एक्सरसाइज में मैं इस्तेमाल मतलब अब मैं चल एक लाइट बारबेल लेने वाला हूँ, और फिर इसके बाद फिर मैं कंधों पर रख कर एक चलना है, इधर से इधर चलूँगा। और मैं आपको वीडियो मतलब देखिएगा आप, बस मैं बता रहा हूँ खासकर आपको पहले, फिर इसके बाद फिर तो मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा भाई, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि आपको ध्यान से कम ज़्यादा नहीं, आपको कदम अपने गिनने हैं कम से कम 10 से 12 या फिर 15 जैसे जा सकें, ठीक है ना। तो मैं किस तरह मारता हूँ और कितने रेपिटेशन निकालता है निकाल रहा हूँ या फिर आप निकालते हैं, तो आप देखिएगा, ठीक। तो आपको भी इसी तरह एक लाइट बारबेल ले लेनी है, मेरी 5-5 केजी की बारबेल है, कोई ज़्यादा इसमें वेट नहीं है, ठीक। तो आपको भी इस तरह ले लेनी है, और आपको इस तरह एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है इस तरह, ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं चलना है, इस तरह आपको हल्का टेढ़ा टेढ़ा चलना है, ठीक। ये इस तरह
इस तरह ये यस यस ठीक। ये मैंने इसके पास देखिए, देखा जाए तो आपको कम से कम 15 से 20 कदम निकालने हैं, ठीक है ना। मेरे पांच जाना दो बार गया हूँ तो 20 हो गए होंगे, ठीक है ना। मैंने गिना नहीं है तो आप गिन के कमेंट में बताइएगा। तो ये इस तरह आपको माननी है, ठीक है। तो ये है अपनी तीसरी एक्सरसाइज, और तीसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह परफॉर्म करना है, और आप इसके सेट लेकर चलिएगा दो या फिर तीन, ठीक। मेरी मानिए तो आप तीन लेकर सेट इसके मारिएगा, तीन सेट, और रिपीटेशन इसके निकालना है 15 से 20, ठीक। जैसे आपकी जा सकें, मेरे में तो ज़्यादा स्पेस नहीं है मतलब चलने फिरने का, नहीं फिर और दूर तक जाता फिर आता वो ज़्यादा सही था। कोई बात नहीं, अपन यही मैनेज एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको फिनिश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ चौथी एक्सरसाइज पे। तो जो मैंने अभी एक्सरसाइज जो बताई करके साथ चल के, तो आपको रिपीटेशन मतलब कदम निकालना है 15 से 20 बार के आसपास, और सेट आपको लेकर चलना है तीन, ठीक। तीन या फिर दो आपकी अकॉर्डिंग जैसे भी कुछ होती है ना, मैं तीन मानने वाला हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ सीधे चौथी एक्सरसाइज पे। अब मैं इसको निपटा लूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब अपनी है ये अब चौथी एक्सरसाइज, और चौथी एक्सरसाइज में अब अपन शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। और शोल्डर अभी तक अपने पीछे को बारबल लेके किया था, लेकिन अब सामने बारबल को इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक। इस तरह पकड़ लेंगे, जितने भी शोल्डर आप क्या रहे उतना ही पकड़ना है, हाथों को चाहे ऐसे ले लें चाहे इस तरह ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह आप ऊपर को फेंकना है एक तरह से, ठीक है ना, परफॉर्म करना है ये। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हो ठीक। तो ये शोल्डर की अभी तक अपने पीछे शोल्डर मारा था, अब इसके बाद आगे से, ठीक है। तो मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ एक छोड़कर एक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरह मारिएगा, ठीक है। उससे क्या है कि आपके मारने का और ज़्यादा स्पीड बनेगी, ठीक है ना। आप वही अगर लेग ट्रेन कर रहे हैं तो यार थोड़ा थोड़ा चेंज करके मारते रहना चाहिए, ठीक है ना। आप भी ट्राई करना, अगर आप भी इस तरह मेरी तरह मारना चाहते हैं तो आप भी ट्राई करना, आपके पता तक नहीं चलेगा और आप एक्सरसाइज अच्छी खासी तगड़ी कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी अपनी ये मेन शोल्डर की, बाहर से इस तरह आपको पुश करना, ठीक है। तो इसके सेट लेकर चलिएगा तीन, और रिपीटेशन 12 से 15, ठीक। तो मैंने 12 ही निकाले हैं, तो मैं 12 के तीन सेट मारूंगा, ठीक है। मैं इसको निपटा लेता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ पांचवी एक्सरसाइज पे। अब अपनी है ये पांचवी एक्सरसाइज, और पांचवी एक्सरसाइज में अपन आप लेग को ट्रेन करने वाले, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कैमरा को डाउन कर दूँ, फिर आपसे मैं बताता हूँ, ठीक। ये थोड़ा डाउन हो जाओ बस, अब आपको एक्सरसाइज करूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो आपको वही सेम बार बार ले लेनी है, वही कंधे पे रखना है इस तरह, ठीक। ये इस तरह आपको उसी तरह रख लेना है। अब अपन अभी तक अब देखिए, अब इसमें पैर को ज़्यादा दूरी तक फैला के चलना है, ठीक है। इस तरह आपको फैला लेना है, और आपको इस तरह मारना है। देखिए बड़ी आराम से एकदम बैठिएगा, ये इस तरह टांगों को ऐसे अंदर की तरह ले आएँ, अंदर की तरफ ले आएँ, ठीक है।
ये दो तीन चार पाँच छः, देखिए थोड़ा सा मैं बैक दिखाता हूँ, बैक होकर इस तरह आपको ठीक, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देख लिए हैं, आपको भी इस तरह मारना है ठीक है। तो इस तरह मारेंगे तो आपके खासकर नीचे का हिस्सा, ये खासकर आपका पीछे के ये कोर्स पूरी अच्छी तरीके से ट्रेन होगी और ग्लूट्स भी ट्रेन होंगे ठीक है ना। तो ये थी अपनी पांचवी एक्सरसाइज और इसके रेपिटेशन निकालने हैं 10 से 12 और सेट इसके मारने आपको 4 ठीक, 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन, मैंने 12 इसके निकाले हैं, आप भी ट्राई करिएगा एक्स्ट्रा मारने की ठीक। तो मैं इसको फिनिश कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ छठवीं एक्सरसाइज पे। अब ये है अपनी छठवीं एक्सरसाइज और छठवीं एक्सरसाइज में अब अपन शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं ठीक है ना। शोल्डर अब मैं ऐसी आपको एक्सरसाइज ये बता रहा हूँ आपको, ये छठवीं एक्सरसाइज शोल्डर की ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये पूरा शोल्डर अच्छा खासा एकदम परफॉर्म करे, एकदम अच्छे खासे इफेक्ट पड़े एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में। तो आप इसको कभी भी शोल्डर अगर कर रहे हैं तो कभी भी मिक्स मत करिएगा, बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है, आपको करना ही करना है अगर आप शोल्डर मार रहे हैं तो ठीक है ना। तो अपन की यही है छठवीं एक्सरसाइज, अब आपको मैं बताता हूँ, दो डम्बल ले लेना है ठीक, इस तरह डम्बल मेरे थोड़ा सा हैवी डम्बल हैं तो आप इग्नोर करिएगा, आप भी थोड़ा सा लाइट डम्बल लेना, तो आपको इस तरह एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना है, इस तरह डम्बल को जिस तरह आपको मारना है ठीक। तीन चार पाँच छ सात, अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ करके दिखाता हूँ, आठ नौ ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह हो ठीक। तो आपको भी इस तरह मारना है, देखिए मैं हैवी डम्बल पता किस लिए हूँ, क्योंकि मैं गेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे को हैवी मारूँगा, जितना हैवी मैं मारूँगा उतना मेरे साइज बढ़ेगा ठीक है ना। अगर आप भी साइज बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मेरे शोल्डर थोड़ा सा साइज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो यही कारण है, कोई सी भी आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, आपको लगता है कि मेरे को साइज चाहिए, अच्छा खासा मस्कुलर चाहिए, तो यार लाइट बस मारने से कुछ नहीं होता, हैवी भी मानना पड़ता है ठीक है ना। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं ठीक। तो आज के मैंने रेपिटेशन निकाले हैं 15, तो आप भी इस तरह 12 से 15 के आसपास रेपिटेशन रखना और सेट आप इसके रखिए 3 ठीक। तो मैं इसके फिनिश कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ सातवीं एक्सरसाइज पे। अब अपनी है ये सातवीं एक्सरसाइज और सातवीं एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले बता दूँ, दो ईंटें ली है मैंने, ईंटों को इस तरह रख लिया जमीन में दोनों ठीक। अब मैं ईंटों के ऊपर चढ़ने वाला हूँ ठीक, इसको लेकर ईंटों के ऊपर चढ़ने वाला हूँ ठीक है ना। इसके ये इस तरह, तो आपको भी इस तरह अगर ग्लूट्स खासकर ये ग्लूट्स बढ़ाने हैं और थोड़ा बहुत ये पीछे का मेन थाई, तो इसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है ठीक है ना। आपका स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दर्द करेगा लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन होगा जब ही अपना बनेगा ठीक है ना। तो वही है सिस्टम, आप भी इस तरह लेकर चलिएगा ठीक है। तो अपन एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस तरह आपको ईंटे के ऊपर खड़े हो जाना है और इस तरह आपको एक बार बार ले लेनी है इस तरह। अब आपको इस तरह कमर को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर को उठा के पूरा नीचे तक जाएं, इस तरह ऊपर तक ऐसे ले आएँ ठीक।
23s, motherfucker. Michael Jordan on this arm day. Last chance. Last chance. 3. There you go. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4. 10. आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ, जब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक, तो वहाँ बैक में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो आप भी इस तरह मोटिवेट होकर करेंगे, ठीक है ना। इतना अच्छी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ये, खास कर ग्लूट्स के लिए। इस तरह आपको ले जाना है ये 11, 12, 13, 14, 15। तो मैं इसकी ज़्यादा नहीं, 15-15 करके रेपिटेशन 4 सेट मारने वाला हूँ 15-15 के, ठीक है ना। क्योंकि यार बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, तो मैंने 10 से 12 रेपिटेशन नहीं, मैं लेता हूँ इसके, मैं इसके लेता हूँ 12 से 15 के आसपास। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो आप भी इसको फेवरेट बना सकते हैं, आप भी इसी तरह करके, ठीक। तो ये थी अपनी 7वीं एक्सरसाइज, अब मैं मिलता हूँ आपको लास्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो इसको मैं फिनिश कर लूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ 8वीं एक्सरसाइज पे। अब अपनी है 8वीं और लास्ट एक्सरसाइज है, अब अपन शोल्डर की करने वाले हैं। मेन अपन को कॉलर, खास कर अपनी, देखिए मेरा वीक है, आपका भी वीक होगा, तो आप भी यही एक्सरसाइज करके अपनी कॉलर को अच्छी खासी एकदम ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी एक्सरसाइज है ये, तो ये आपको कुछ नहीं करना है, वही आप सेम बारबल लेकर आपको बारबल इस तरह पकड़ लेनी है, और बारबल को इस तरह आपको स्ट्रेट खड़े होकर इस तरह आपको उठाकर थोड़ा सा होल्ड करके चलना है, खा जाता नहीं, 1-2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6। बैक होकर दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा सुनना आएगा इस तरह, ठीक। नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हो ठीक, तो इस तरह आपको भी कॉलर को ट्रेन करना है। देखिए मेरा भी स्लीप टाइप में एकदम ड्रॉप ड्रॉप टाइप में है एकदम, ठीक है ना, झुका झुका टाइप में है, तो मैं इसको यही एक्सरसाइज कर करके अपनी कॉलर को अच्छा खासा एकदम मोटा तगड़ा बनाऊंगा, ठीक है ना। तो बस धीरे धीरे बनेगी यार, आप सोचें कि एक दिन बन जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेहनत करते रहो, अच्छी खासी बॉडी बनेगी एक दिन ज़रूर, ठीक है ना। देखिए मैं ज़्यादा, मेरे को समय नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं यही सब एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को अच्छा खासा थोड़ा बहुत आपको, ठीक। तो आप बस इस तरह, आप भी घर पे, अपने घर पे कर रहे हैं या फिर जिम में कर रहे हैं, तो आप मेरी ये एक्सरसाइजें ज़रूर करिएगा, ठीक। अब अपन मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो पे। आपको वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, जो भाई नए हैं। अपन मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो पे, इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा मैं, आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर करिए, आपके भाई की खासकर बॉडी बन रही है, ठीक। आप भी चाहते हैं ना कि और भाइयों की बने, तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अपन मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।